हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, बिहार पीसीएस के इस स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम सबसे पहले बिहार के जिले कौन कौन सी बाउंड्री बनाते हैं, बिहार के प्रमंडल जितने हैं उनको कैसे याद करेंगे और कैसे इस तरीके से पढ़ा जाए, क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से, कि हमें ये तुरंत ही याद हो जाए। हमारा मकसद ये है कि वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि सर हमें ये याद हो गया। चलिए देखते हैं, कोशिश करेंगे, हम कुछ ट्रिक्स देंगे, कुछ निमोनिक्स देंगे, कुछ चीजें आपसे डिस्कस करेंगे और आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये हमारा सीरीज स्टार्ट होगा और जितनी भी बिहार से रिलेटेड चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। बी रेडी फॉर दैट। बिहार का स्थान आपको पता ही है, उत्तर पूर्व में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। ये तो आप देख के बता सकते हो। आयताकार शेप में है, ये फंडामेंटल है। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, जैसे यहाँ के पक्षी, बिहार की स्थापना कब हुई, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको किसी ना किसी किताब में मिल जाएंगी। अगर कमेंट करोगे आप तो उसपे भी हम एक डिटेल सीरीज और अच्छा अपडेटेड लेकर के आएंगे। बट सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार के चारों कोनों में कौन कौन से जिले हैं। कई बार बीपीएससी में एग्जाम पूछा भी गया था कि बिहार के सबसे पूर्वी तट पे या पूर्वी इलाके में कौन सा जिला है, जो कि यहाँ पे क्या है, कौन सा जिला है बताइए। ये है किशनगंज, है ना। उसी तरीके से पूछा जाता है बिहार के सबसे पश्चिमी में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। आपको ये बिहार की इस साइड से इस साइड, यानी कि ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, है ना। तो नॉर्थ से साउथ की अगर हम बात करें, ये यहां से इस डिस्टेंस की, तो ये कितनी है, और ईस्ट से वेस्ट कितनी है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की, दोनों डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 345। इसको आप कंफ्यूज ना होना, एग्जाम में कभी भी ऐसा दे सकता है 354, तो आप हड़बड़ी में और जल्दीबाजी में उसको गलत करके आ सकते हो। तो कोशिश करना है 345। और दूसरा क्या है, 483। तो ये हो जाएगा 483, यानी कि अगर एक साल बीपीएससी में इस दोनों का अंतर भी पूछा था तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा बिहार का मैप आयताकार शेप में है। इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर बात की जाए तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ लगता है बताइए, नेपाल से लगता है ना। और नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट है। बिहार में जितनी भी नदियां बाढ़ लाती हैं, मैक्सिमम, सबका तो नहीं कह सकते, बट मैक्सिमम का जो उद्गम स्थल है वो आपका नेपाल ही है। नदी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, बट अभी फिलहाल नेपाल से हमारा जो बॉर्डर लगता है, एक सीरीज में याद कर सकते हैं हम, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। और हमेशा याद रखिएगा, शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, तो ये एकदम से लैंड लॉक्ड है, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण के एकदम बीच में ये घिरा हुआ छोटा सा जिला है। और आप अगर आप पढ़ोगे तो डेंस जिला है बिहार का सबसे ज्यादा, क्योंकि एरिया कम है, पॉपुलेशन तो बिहार में ही ज्यादा है। फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब चूंकि मैं प्रमंडल में आपको ट्रिक दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रिक की बात करें तो पहला ट्रिक जो मैं आपको दे रहा हूं, ये दे रहा हूं साउथ में, ठीक है। आपको मैक्सिमम लोगों को भभुआ और रोहतास, यानी कैमूर और रोहतास जिला सबसे कोने में है, याद रहता है। इसके बाद है औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। तो इसको हम लोगों ने ट्रिक दिया था, मेरा ये है ट्रिक, रंगा, गया, नवादा। कौन गया नवादा? रंगा, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागा। जमुई जो है, या तो बांका भागा लिख लीजिए या जमुई बैंक भागा, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएगा, रंगा, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागा। तो उत्तर और दक्षिण दोनों हमने एक झटके में याद कर लिया। फिर से दोहराते हैं एक बार, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब इस सेम चीज को हम मैप के थ्रू देखते हैं, कौन से मैप में, तो इंग्लिश वाले मैप में, ठीक है। ये प्रमंडल का मैप है, बाकी जो इंग्लिश वाला मैप है वो आपको मैं
थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पहले हिंदी में ही देख लेते हैं। रंगा गया नवादा, जमुई बांका भागा, हियर इज अ ट्रिक। नेक्स्ट है हमारा, ये परमंडल का ही हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इस पे फोकस्ड रहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन अब इसमें आता है ईस्ट और वेस्ट का। देखिए सबसे कम अगर जिले हैं तो मैं बात करूं आपको तो कटिहार और पूर्णिया, ये किशनगंज, ये तीनों पश्चिम बंगाल से लगते हैं, और थोड़ी सी बाउंड्री के बाद आपको बांग्लादेश ये दिख रहा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा पूर्णिया, कटिहार और ये किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आपको सीरीज में याद है, सीतामढ़ी बढ़ेंगे, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है, एक बार क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। उसके नीचे क्या हो गया, कटिहार और पूर्णिया। नेक्स्ट है औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका भागा। अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो आपको यहां से यहां तक याद हो गया है और फिर यहां से यहां तक याद हो गया। कटिहार और पूर्णिया की बात अलग है, ये क्यों अलग है, क्योंकि ये दोनों एक साथ, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हो सिंपली। पूरा एक बार देख लेते हैं फिर हम इंग्लिश में मैप को देखेंगे। ध्यान से सुनिए, जितनी भी बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आप चाहोगे मैं सब लेकर आऊंगा, आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे। हमारा मैप सीरीज ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में है, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, इन सबको आप जरूर विजिट करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, एटलीस्ट रिविजन तो जरूर करिए। अब जब इतना आपने पढ़ लिया तो आपको ऐसा बनना है कि आंख बंद भी करो तो आप बता पाओ कि साइड में कौन कौन से जिले हैं। गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ और रोहतास। अब ये यूपी का बॉर्डर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, देखिए कुछ ज्यादा ही ये अंदर की तरफ ऐसे जा करके और फिर ये ऐसे ऐसे करके है, तो आपको क्या यहां सोचना चाहिए। पश्चिमी चंपारण तो आपने देखा है ना, फिर अगर गोपालगंज और सिवान हम एक साथ याद करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा याद करो, शिव जी के गोपाल, शिव के गोपाल, सारण, बक्सर, भभुआ, रोहतास, ऐसा एक लाइन बन गया। वैसे परमंडल में मैं ऐसे ऐसे ट्रिक देने वाला हूं, जैसे कि शिव जी के सार गोपाल, ऐसे करके दूंगा ताकि आपको याद रहे। देखिए फनी चीजें जो होते हैं, जो हंसने वाली चीजें हैं, उससे आपको याद होता है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि आप उसको वो करोगे, है ना। तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, हमने देख लिया कौन कौन सा जिला है, पहले मैं मिटा देता हूं ताकि आपको, ओके नेक्स्ट। नीचे से अगर बात करेंगे, रोहतास और भभुआ, मैंने पहले ही कहा था आपको, पहले से याद है भभुआ और रोहतास, है ना। लेकिन बक्सर और सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, तो ये हो गया गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भभुआ, हो सकता है आपको ये पहले याद। अब जब हम लोग परमंडल देखेंगे ना, ऐसा ट्रिक देखने वाले हैं कि आपको इजिली याद हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग इंग्लिश वाले मैप में भी देख लेते हैं एक बार। अब सेम चीजें हैं यहां पे, आप देख रहे होगे एकदम सेम चीजें हैं, लेकिन ये इंग्लिश में है और यहाँ पे हम लोग प्रमंडल पढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी में कुछ ज्यादा भेद नहीं होना चाहिए आपको समझने में। पहले हम ये चीजें देख लेते हैं फिर प्रमंडल देखेंगे। ये प्रमंडल वाला मैप आपको दिख रहा होगा आई थिंक, इसमें अगर आप देखोगे सेम चीज, वही चीजें हैं, भागलपुर, बांका, है ना, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी की बात करें तो कौन हो जाएगा, सबसे पश्चिमी अगर हम बात करें तो पश्चिमी, देखिए वेस्टर्न मोस्ट लिखा हुआ है, कौन है, कैमूर है। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो सबसे पश्चिमी ये नहीं होगा, अगर ऐसे आप एक लाइन खींचो, क्यों ये होगा, इसके पीछे रीजन समझो। एक लाइन आप ऐसे खींचते हो तो क्या होगा देखो, समझो बात। अब इस लाइन पे सबसे पश्चिम में कौन आया, कैमूर आया। सबसे पूर्व में कौन आया, किशनगंज आया। सबसे नीचे कौन आया, तो दक्षिण, ये हो जाएगा, सॉरी इसके नीचे भी ये गया आ रहा है, तो सबसे दक्षिण, दक्षिणतम बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, गया। और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, तो ये हो जाएगा वेस्ट चंपारण। अब कोई ये सोचे कि यहां मुझे बस दिख रहा है, लेकिन तुम्हें एक लाइन ड्रॉ कर लो, देखो किसका लाइन पहले है, किसका लाइन बाद में है। हमने यहाँ गया में और इसमें लाइन अगर खींचते हैं हम,
तो हमें ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से परमंडल हैं और क्या क्या ट्रिक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे ट्रिक है मेरे पास, तो आइए, ये रहा आपका मैप और यहां आपको लिखा भी हुआ है जो जो ट्रिक है उसके साथ। आप देखोगे सबसे पहले SDM याद करना है, दरभंगा। दरभंगा ये पीले कलर में ये हो गया और इसका ट्रिक क्या है, SDM। ठीक है, फिर दूसरा है SMS, सुपौल मधेपुरा और सहरसा, ये SMS हो गया। एक चीज मैं आपको ट्रिक देता हूं, आप जिस जिले में भी रहते हो उस जिले का एकदम से खुद ब खुद याद कर लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पटना का तो याद होना ही चाहिए, किसमें कितने जिले हैं ये भी आपने याद होना चाहिए। SMS और SDM तीन तीन जिलों का है, आपको फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, जो पहले ट्रिक से है उसको हम लोग देख लेते हैं। पटना तो याद कर लो भाई, इसको कोई ट्रिक मैं नहीं बताना चाहता हूं, कहोगे तो बाद में बता दूंगा दूसरे वीडियो में, रिविजन जो आएगा इसका। इसमें कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये पटना है, पटना को रट्टा मार लो, राजधानी है। इसका मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप आलसी हो जाओगे। अब यहां मैं दे देता हूं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये कौन से डिवीजन में पड़ता है बताइए। यही है मगध, पुराना मगध डिवीजन यही से शुरू होता है, तो मगध डिवीजन को याद करना जरूरी है ना। तो मगध डिवीजन को जब हम याद करेंगे तो मगध में कौन कौन होंगे, आधा तो रंगा गया नवादा हो ही गया ना, रंगा गया नवादा और अरवल जहानाबाद इसमें स्पेशल दिख रहा है। चलो इसका ट्रिक लिख लो, मजा आ जाएगा। ट्रिक है अरवल नाव लेकर चला, अरवल नाव लेकर गया औरंगाबाद के जहान में, अरवल नाव लेकर गया औरंगाबाद के जहान में, ये एक लाइन है, याद कर लोगे एग्जाम में पूछ देगा, मजा आ जाएगा बनाने में, है ना। तीन चार चीजें तो हमने याद करी भाई, पटना तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब सारण जो है, सारण छपरा कौन नहीं जाता लालू प्रसाद यादव को, तो आपको ये जानने के साथ साथ याद रखिए, लालू प्रसाद के साथ साथ मैंने क्या बताया था, शिव जी के सार गोपाल, भोजपुरी के लोग जो भी हैं मैक्सिमम तो भोजपुरी के ही हैं, तो शिव जी के सार, शिव के सार गोपाल। अब बताइए सार से सारण हो गया और गोपाल से गोपालगंज हो गया, चार तो हमने ट्रिक से ही निपटा दिया है ना। SMS किसका हो गया, SDM किसका हो गया, और बांका और भागा, अब देखो बैंक भागा, कौन भागा भाई, तो भागलपुर और बांका का जो भागलपुर हमारा डिवीजन है, प्रमंडल है भागलपुर, इसका क्या हो जाएगा, बैंक भागा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बैंक भागा, कितना इजी वे में आपको ये याद हो जाएगा। अब हमारे सामने बच गया कौन कौन, एक ये बेगूसराय वाला और ये हमारा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फर, वैशाली, ये तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों, क्योंकि ये सब लड़कियों का नाम है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण एक में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। सीता लड़की, मुजफ्फर एक मुसलमान हो गया, वैशाली लड़की, और शिवहर को भी अगर आप देखोगे तो लड़की ही है, तो मान लो कि ये सारी लड़कियों का नाम है और दिमाग में सेट कर जाएगा। वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं, ये बॉर्डर इलाके में है तो आपको ये भी अगर रोज देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारे PDF हम उस पर भेजते हैं और ये मैप भी हम आपको उस पे दे देंगे, है ना। ये हो गया, अब कौन सा बच गया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा और जमुई, तो ये हो जाएगा किस डिवीजन में भाई साहब, ये हो जाएगा मुंगेर डिवीजन में। मुंगेर डिवीजन जो है इसमें हो जाएगा लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया और जमुई। इसका भी ट्रिक चाहिए क्या आप लोगों को, तो ये मुंगेर डिवीजन का लिख लो, खगड़िया, जम्मू, मुंगा, शेख सराय, ये लड़कों का नाम है, और ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये लड़कियों का मैक्सिमम नाम है। इमेज क्लियर रहेगा तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, वैसे ये लिख लो खगड़िया, जम्मू, मुंगा, शेख सराय, खगड़िया, जम्मू, मुंगा, शेख सराय। इसके बावजूद इसका रिविजन क्लास भी आएगा, अगले क्लास में हम इसको रिवाइज भी करेंगे और अगला कुछ चैप्टर न्यू पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन करिए। SMS किसका हो गया, SDM किसका हो गया, और हमने किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, चलिए तो ये अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार का ट्रिक है, अरे किशन पूर्ण कटिहार, ये आप लिख लेते हो चार लाइन में, आपकी पूरी डिवीजन भी याद हो गई, मैप भी याद हो गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जल्द चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए, थैंक यू सो मच।